दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज में। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज आपको ज्योतिष से जुड़ी अति महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियां नित्य उपलब्ध कराता रहता है। हमारी मनोकामना और प्रयास रहता है कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो दोस्तों समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के विषय में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पितृ दोष के बारे में और बताएंगे पितृ दोष का कारण, लक्षण तथा सिद्ध और अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपको पितृ दोष के पूर्ण और सही जानकारी नहीं है तो आप ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे देवता हैं या पितृ हैं या किसी के द्वारा कुछ किया कराया है या कोई प्रेत है। कई बार आप अपने देवताओं का ही बंधन करा देते हैं और आप अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दे देते हैं और आपके घर में गरीबी, बीमारी, लड़ाई, धन अधिक खर्च होना, ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं पितृ दोष के लक्षणों के बारे में, उसके बाद कारण तथा फिर इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं लक्षणों के बारे में। संतान उत्पत्ति में बाधा होना, शादी न होना, घर में भय लगना, पूर्वजों के गलत स्वप्न आना, भोजन में बार बार बाल निकलना, स्वप्न में बार बार शमशान या अर्थी दिखाई देना, घर में कुछ न कुछ अनहोनी होते रहना, घर में धन का न रुकना, घर में बिना कारण कलेश रहना, घर के सदस्यों में क्रोध का बढ़ना, कर्ज का बढ़ते रहना, ये सभी पितृ दोष के लक्षण होते हैं। ये सभी मुख्य लक्षणों में से होते हैं। अब बात करते हैं पितृ दोष के कारण के बारे में। पितृ दोष होता क्यों है? उससे पहले अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज को लाइक तथा सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि हम आपको ज्योतिष की अच्छी अच्छी जानकारियां तथा उपाय सबसे पहले उपलब्ध करा सके और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। इसलिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। अब बात करते हैं पितृ दोष के कारण के बारे में। अकाल मृत्यु होना, पूर्वजों का क्रियाक्रम ठीक से न होना, भ्रूण हत्या होना, गौ हत्या होना, देवभूमि पर अमंगल कार्य करना, ब्राह्मण की हत्या से
गलत आचरण से कन्या या महिला की अवहेलना करने से, घर में पूजा पाठ न करने से, कोई शुभ कार्य करने से पहले दही पितरों का आशीर्वाद न लेने से, इन कारणों से पितृदोष होता है। ये सभी मुख्य कारण होते हैं। अब बात करते हैं पितृदोष के निवारण और उपायों के बारे में। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पितृपक्ष में दान करना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र, गोदान, भूमिदान। पितृपक्ष में पितरों की पूजा भागवत कथा कराने से, पितृपक्ष में सत कर्म करने से, पितृपक्ष में इन दो मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन एक माला, पहला मंत्र ओम पितृ देवाय नमः, दूसरा मंत्र ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। पितृपक्ष में गंगा में स्नान करके, गंगा में जल समर्पित करके 11-11 बार दोनों मंत्रों का जाप करना चाहिए। पितृपक्ष में काले तिलों का दान करना चाहिए, पितृपक्ष में भंडारा कराना चाहिए। इन सब उपायों से पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी देते रहें, इसके लिए अपने चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें।